Hello English learners, this is Priyanka Chaudhary and welcome to my channel. So in today's video we are going to learn about parts of speech. चलिए जानते हैं parts of speech है क्या और ये जानना ज़रूरी क्यों है. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ जो topic है parts of speech, this is very important, especially for children. बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा important है because जब वो starting से initial stage से when they are so young, when they are kid, उनकी अगर आप grammar की books देखो तो आई वुड से कि सेकेंड थर्ड क्लास से ही उनकी ग्रामर बुक में ये चैप्टर ज़रूर होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो ये तभी से बच्चों की ग्रामर बुक में ऐड कर दिया जाता है टॉपिक की जिससे कि बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानना व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच. सपोज आई एम सेइंग अ सेंटेंस एंड द सेंटेंस इज आई एम टॉकिंग टू यू. दिस इज़ द सेंटेंस आई एम टॉकिंग टू यू. सो इन दिस सेंटेंस हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर. इस सेंटेंस में वर्ड्स कितने हैं. आई एम टॉकिंग टू यू. देयर आर फाइव वर्ड्स इन दिस सेंटेंस. ये सारे ही फाइव वर्ड्स का अपना अपना नाम है, अपनी अपनी कैटेगरी है. जैसे कि मैं बोलूँ आई, तो आई क्या है इस सेंटेंस में, प्रोनाउन है. एम, वॉट इज एम, एम इज़ अ वर्ब. टॉकिंग, टॉकिंग इज ऑल्सो अ वर्ब. टू, टू इज़ प्रेपोजिशन. यू एंड यू इज़ प्रोनाउन. तो अब ये मुझे कैसे पता चला, बिकॉज आई नो अबाउट इट, आई नो वॉट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर. आप भी जान सकते हैं कि कौन सा वर्ड कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है. बट फॉर दैट यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा. मीन स्पीच के कितने पार्ट हैं, चलिए ये जान लेते हैं. सो बेसिकली देयर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच. कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, देर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि बहुत पहले से फॉलो किए जा रहे हैं. इंग्लिश ग्रामर बुक में, बुक्स में भी आप देख सकते हो एट पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं. बट अगर आजकल आप अगर देखेंगे, इफ़ यू विल गो ऑन गूगल एंड यू विल स्टार्ट सर्चिंग, तो आपको एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच में एड ऑन होता हुआ दिखाई देगा एंड दैट इज़ डिटर्मिनर्स. सो देर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच. चले जानते हैं वो एट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. फर्स्ट वन इज़ नाउन, देन प्रोनाउन, आफ्टर दैट adjective and then verb, after that adverb, then preposition and then conjunction and the last one is interjection. So चलिए जानते हैं ये सारे parts of speech है क्या और इनका क्या काम होता है sentences में. Let's begin with noun. Noun जिसे आपने हिंदी grammar में पढ़ा होगा, संज्ञा के नाम से आप जानते होंगे noun को. So noun क्या होता है, noun is basically a naming word. किसी भी चीज़ के नाम को नाउन बोला जाता है, संज्ञा बोला जाता है. वेदर इट इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी थिंग, एनी एनिमल और एनी बर्ड, मीन्स अ नेम ऑफ एनी थिंग, इवन द नेम ऑफ फीलिंग और इमोशंस. किसी भी चीज़ के नाम को आप नाउन बोलते हैं. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. सपोज इफ आई वुड से माई नेम इज़ प्रियंका चौधरी. सो ये जो मैंने सेंटेंस कहा माई नेम इज़ प्रियंका चौधरी, इसमें नेम था प्रियंका चौधरी. सो प्रियंका चौधरी क्या है, नाउन. गुड. एंड अगेन इफ आई वुड से आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, तो जब मैंने कहा इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर तो उसमें जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज का नाम है, तो इंग्लिश भी इसमें नाउन हुआ. लैंग्वेज, भाषा को लैंग्वेज बोला जाता है, ये भी नाउन हुआ. एंड ट्रेनर मेरी प्रोफाइल है, तो वो भी इसमें नाउन हुआ. ये तीनों ही वर्ड इस सेंटेंस में नाउन थे. सिमिलरली इफ आई वुड से दैट आई लिव इन इंडिया, सो इंडिया भी नाउन है. किस चीज़ का नाम है इंडिया, इंडिया इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री. सो इंडिया जो वर्ड है ये भी नाउन है इस सेंटेंस में. अब नाउन के भी फाइव टाइप्स होते हैं, देर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन. प्रोनाउन की बात करूँ तो इसके भी पार्ट्स हैं. हर किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के और भी सब डिवाइडेड पार्ट्स हैं. बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इन अ सिंगल वीडियो, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट दी काइंड ऑफ नाउन इन डिटेल, देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. और चलिए जानते हैं प्रोनाउन क्या है. वैसे तो प्रोनाउन के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माई प्रीवियस वीडियोज, उसका लिंक कैन चेक आउट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज़ बेसिकली अ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि यूज़ किया जाता है नाउन की जगह पर. तो जो वर्ड नाउन की जगह पर यूज़ किया जाए उसे बोलते हैं प्रोनाउन. प्रोनाउन इन हिंदी इज़ कॉल्ड सर्वनाम. इसको हिंदी में सर्वनाम बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग पूजा सुबह जल्दी उठती है. पूजा
8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेती है, पूजा अपने स्कूल जाती है, पूजा स्कूल से घर आती है। सो इन दिस सेंटेंस यू कैन सी मैंने पूजा कई बार रिपीट किया। क्या पूजा की जगह पे मैं कोई दूसरा वर्ड यूज़ नहीं कर सकती? येस आई कैन। सो पूजा की जगह मैं कौन सा वर्ड यूज़ कर सकती हूँ? आई कैन से शी इंस्टेड ऑफ सेइंग पूजा अगेन एंड अगेन। सो पूजा बार बार बोलने से अच्छा है कि मैं एक बार पूजा बोलूँ स्टार्टिंग में, जब मैंने उसके बारे में बोलना स्टार्ट किया। आफ्टर दैट आई कैन से शी फॉर हर। जहाँ सेंटेंस में रेलिवेंट होगा वहाँ शी आएगा, नहीं तो हर वर्ड यूज़ होगा। अब प्रोनाउन भी कई तरीके के होते हैं, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन माई प्रीवियस वीडियोज़। सो आप किसी गर्ल के लिए शी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, किसी मैन या मेल पर्सन के लिए ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, खुद के लिए हम अपने लिए आई वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो आपने पढ़े होंगे, वो बोलते भी होंगे, आप यूज़ भी करते होंगे, आई, माई, मी, यू, हिज, हर, शी, दे, देम, देयर, माइन, योर, ये सब ही प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि ये किसी का नाम नहीं होते, ये नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं प्रोनाउन। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। सो इफ आई विल गिव यू अ सेंटेंस, दिस इज द सेंटेंस, द सेंटेंस इज शी इज लुकिंग एट मी। सो इन दिस सेंटेंस व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द प्रोनाउन? यू गेस्ड इट राइट, शी इज द प्रोनाउन। क्या कोई और भी प्रोनाउन है सेंटेंस में? Me, very good. Me is also a pronoun. Good job. I think this topic is clear to you. Pronoun. Let's move on to the next one. So the next, so next part of speech is adjective. Let's understand what is adjective. चलिए जानते हैं adjective क्या है. So in simple words, if I would say, so adjective is a describing word. Adjective एक describing word होता है, describe करने का काम करता है ये. ये किसको डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव का काम होता है कि सेंटेंस में जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसको डिस्क्राइब करना। नहीं समझ आया? लेट मी टेल यू अगेन। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग दैट लेडी इज टॉल, दिस इज द सेंटेंस, दैट लेडी इज टॉल। सो इन दिस सेंटेंस आपको क्या लगता है कौन सा वर्ड इस लेडी को डिस्क्राइब कर रहे हैं? वेरी गुड, टॉल वर्ड। तो जैसे ही आपने टॉल वर्ड कैच किया, मीन्स ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, इट मीन्स दिस इज एडजेक्टिव। सो जो टॉल वर्ड ने डिस्क्राइब किया उस लेडी को कि लेडी कैसी है, टॉल है, लंबी है। सो लेडी क्या हुई? लेडी सेंटेंस में हुई नाउन। सो नाउन वर्ड को डिस्क्राइब किया टॉल वर्ड ने। सो टॉल वर्ड इज एन एडजेक्टिव। वेरी गुड, लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। सी द सेंटेंस, आई हैव ब्लैक हेयर, आई हैव ब्लैक हेयर। अब आप इसमें बताइए इसमें एडजेक्टिव क्या है? गुड गेस, ब्लैक इज द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। कैसे गेस किया आपने? बिकॉज जो ब्लैक वर्ड है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हेयर को, द कलर ऑफ हेयर। सो हेयर का कलर क्या है? इट इज ब्लैक। एंड वॉट इज हेयर? हेयर इज नाउन इन दिस सेंटेंस। और नाउन को डिस्क्राइब किया किस कलर ने? ब्लैक ने। सो ब्लैक इज एन एडजेक्टिव। Let's see another example. My sister is wearing a lovely dress. In this sentence, what is the adjective? Lovely. Correct. So now I guess you understood what is adjective. So I'm going to share some examples with you here. You can see the examples and you can easily relate and understand what is adjective. Let's move on to the next parts of speech. So the next part of speech is verb. चलिए जानते हैं verb क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स एक्शन। जो भी काम हम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। अभी मैं कुछ कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सो टॉक इज़ वर्ब। आई एम लुकिंग एट यू, लुक इज वर्ब, ये भी वर्ब है। आई एम मूविंग माई हैंड्स, सो मूव क्या है? मूव इज़ ऑल्सो अ वर्ब। आई एम स्पीकिंग, स्पीक भी कुछ एक्शन करना हुआ, स्पीक इज़ ऑल्सो अ वर्ब। सो अभी मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए आपको, इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब थे। हम जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं सभी में वर्ब होते हैं मोस्टली। सो वर्ब मीन्स क्रिया एंड एक्शन, आई एम रिपीटिंग। अब जो वर्ब है वो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे एक्शंस और एक्टिविटीज़ करते हैं। सो देर आर नंबर ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स कई टाइप के भी होते हैं। कुछ वर्ब होते हैं एक्शन वर्ब्स, कुछ होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, एंड कुछ होते हैं मॉडल वर्ब्स। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स।
I'm going to give you a sentence here. Just look at this sentence and tell me what is the word. So the sentence is, Rohan and Sohan are playing in the garden. What do you think? What is word? पहले sentence समझिए. Rohan and Sohan are playing in the garden. Rohan and Sohan garden में खेल रहे हैं. ये हमने sentence की meaning समझ ली. अब देखते हैं कि वो कर क्या रहे हैं. खेल रहे हैं. Playing, right? So you guessed it right. Play is the verb in this sentence. Are भी इसमें verb है. Correct. चलिए एक और example देखते हैं. If I am saying, don't talk to me, don't talk to me, इसमें word क्या है? Talk, correct, आपने सही guess किया. Talk is the verb in this sentence. In fact, इसमें do भी verb है. Similarly, there are number of verbs. आपको practice की ज़रूरत है. आप जो भी sentences आप देखते हैं, पढ़ते हैं, उनमें ध्यान से देखिएगा, आपको हर जगह verb नज़र आएंगे. And keep practicing. Chale, moving on to the next parts of speech. So the next part of speech is adverb. Chale, jante hain adverb kya hain. Adverb wo word hote hain jo verb ke baare mein describe kare. Jo verb ko describe kare ki jo kriya ho rahi hai wo kis tarah se ho rahi hai. Nahi samajh aaya? Let me give an example. Jaise main abhi baat kar rahi hoon. I am talking. Ab main bolu main jaldi jaldi baat kar rahi hoon. I am talking so fast. तो मैंने क्या किया, मैंने बात तो कर रही हूँ, अब मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी बात कर रही हूँ, फास्ट. तो उसमें फास्ट क्या हुआ? एडवर्ब. सिमिलरली अनदर एग्जांपल, शी राइट्स स्लोली इन हर एग्जाम. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है? चलिए पहले देखते हैं एक्शन क्या है. कुछ कर रही है वो, शी इज़ राइटिंग, लिख रही है. सो राइट इज़ द वर्ब इन दिस सेंटेंस. अब वो लिख कैसे रही है? Slowly. So इसमें slowly क्या हुआ? Very good. Adverb. So slowly, चूँकि इसमें adverb है, वो किसको describe कर रहा है? Action को, जो है लिखना. So जो word action को describe करे वो होता है adverb. एक तरीका भी है इसको जानने का, इसको पहचानने का. ज़्यादातर adverbs में आपको last में ly दिखेगा. I'm not saying it actually it applies everywhere. It's not like that. What I'm saying is most of the time you will see ly at the end of this. और वो word describe करना चाहिए verb को, तभी वो adverb होगा. Do not get confused with this. So what I said, adverb वही होगा जो काम को describe करे कि काम किस तरह से हो रहा है. चलिए एक और example देखते हैं. In this sentence, I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. In this sentence, what is adverb? Early, very good. So I guess you understood what is adverb. Moreover, I will be giving you some examples here. जिसे देख के आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि adverb के examples क्या हैं और adverb होते क्या हैं. Okay. Now let's talk about preposition. Now what is this? Preposition होता क्या है? So preposition is a relation showing word in a sentence. किसी भी sentence में relation show करने का काम करता है preposition. Let me tell you, or let me explain this with an example. I'm saying the book is on the table. So book और table के बीच में relation का क्या पता चला? Where is the book? The book is on the table. अब जब मैंने ये बोला the book is on the table, तो आप में से जो लोग समझ गए हैं इसका meaning, उनके दिमाग में एक image बन गई होगी कि book कहाँ है? On the table. तो जब मैंने बोला word on, इस on word की वजह से ही आप समझ पाए वे आप समझ पाए the location of the book. अगर वही मैं सेंटेंस कर दूँ द बुक इज़ अंडर द टेबल, तो आपके दिमाग में एक अलग इमेज बन जाएगी इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ अंडर. दिस इज़ द वर्क ऑफ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन का काम यही होता है, ये बताना कि कोई भी चीज़ है कहाँ एग्जैक्टली. सो दिस इज़ द एक्चुअल फंक्शन ऑफ प्रेपोजिशन इन एनी सेंटेंस. जैसे कि आपने वर्ड्स पढ़े होंगे टू, इन, एट, ऑफ, अंडर, बिहाइंड, अबव, बिलो. देर आर सो मैनी प्रेपोजिशंस, बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं. तो यही होते हैं प्रेपोजिशंस इन सेंटेंस. चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ यहाँ पे, ट्राई टू फाइंड आउट द प्रेपोजिशन. सो द सेंटेंस इज, आई विल बी रीचिंग देयर बाय 4 o'clock इन द इवनिंग. सो इन दिस सेंटेंस ट्राई टू फाइंड आउट द प्रेपोजिशन. बाय इज द प्रेपोजिशन इन दिस सेंटेंस. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. राम इज टॉकिंग टू श्याम.
to is the preposition in this sentence. Let's see another example. Get off the bus. Get off the bus. What is the preposition in this sentence? Off is the preposition, correct. So इसी तरीके से अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे और prepositions को समझने की कोशिश करेंगे then you will easily understand what is preposition. And I will be showing you the examples of some prepositions here. All right. Next is conjunction. Most of the time people mispronounce this word as conjunction बोल देते हैं. This is not conjunction, this is conjunction. Let's understand what is conjunction. Conjunction is, you can say, a joining word or a sentence connector. So conjunction एक sentence में join करने का काम करता है words को, sometimes sentences को भी. This is called conjunction. अब ऐसे कौन से words हैं जो join करने का काम करते हैं कुछ phrases को, words को, sentences को? Let me tell you. So the words like and, so, neither, or you can say neither, either or either, therefore, since, and there are so many other conjunctions as well. और भी बहुत सारे conjunctions हैं. I will be giving you the examples here. So ये सारे होते हैं sentence में conjunction. तो चलिए I'm going to give you an example. Try to find out the conjunction. So the sentence is Rohan and Sohan are playing in the garden. So in this sentence, what is conjunction? You guessed it right. And is the conjunction. कैसे पता चला आपको? And word ने connect किया, join किया दो words को, which is Rohan and Sohan. So Rohan and Sohan को join किया and word ने, and is conjunction in this sentence. चलिए एक और example देखते हैं. I'm unable to speak English because I'm afraid of making mistake. So in this sentence, what is conjunction? Because, correct. So because word ने यहाँ पे दो sentences को connect किया. So because is the conjunction here. Let's move on to the next preposition and the last one. So the next preposition is interjection. चलिए जानते हैं इंटरजेक्शन क्या है. इंटरजेक्शन सेंटेंस में वो वर्ड्स होते हैं जो आपके मूड या एक्सप्रेशन शो करते हैं. ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनसे आपके मूड का पता चलता है कि आपको मूड कैसा है, आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं. लेट मी गिव एन एग्जांपल. एग्जांपल सुनते ही आपको सब समझ आ जाएगा. सो इफ़ आई वुड से ओ माई गॉड, जैसे मैंने बोला ओ माई गॉड तो इससे पता चल गया आपको आपके एक्सप्रेशन, ये वर्ड आपके एक्सप्रेशन शो कर रहा है. सो दिस इज़ एन इंटरजेक्शन. अगर मैं आपसे बोलूं, ओह आई फॉरगॉट टू डू माई होमवर्क, सो इसमें जो ओह वर्ड है दिस इज़ इंटरजेक्शन. अगेन इफ़ आई विल से हुर्रा आई एम गोइंग ऑन अ पिकनिक, जो हुर्रा मैंने वर्ड बोला दिस इज़ इंटरजेक्शन. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. ओह शिट आई ब्रोक माई पेंसिल, सो शिट वर्ड इसमें इंटरजेक्शन है. सिमिलरली देर आर सो मैनी वर्ड्स दैट एक्चुअली बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इंटरजेक्शन. For example, wow, alas, alas is a negative impression, negative expression. Ouch, ये भी interjection है. और भी बहुत सारे interjections होते हैं. I will be showing you here. All right. So this is how we end the parts of speech here. यहाँ पे parts of speech ख़त्म होते हैं. There are 8 parts of speech I am repeating. कौन से हैं वो 8 parts of speech? Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, and done. Yes, as I talked about determiners at the beginning of the video, मैंने determiners के बारे में आपसे discuss किया था. So determiners क्या होते हैं? Determiners वो होते हैं, जैसे कि मैं example दूँ आपको. Determiners actually are those words जो in parts of speech में जो हमने discuss किए नहीं आते हैं. For example, a, an, the, ये सब determiners में आते हैं. So this is how the video ends here. But now I'm going to share a worksheet for you to do. इस worksheet को करना मत भूलिएगा, ज़रूर करिएगा. If you are able to do the entire worksheet really well, then you have got the better understanding of this topic. So you must do the worksheet. आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे अपने आंसर्स बता सकते हैं एंड आई विल बी टेलिंग यू वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग.
क्वेश्चन, अगर आपको कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड समझ में नहीं आया है देन यू कैन आस्क मी बाय टाइपिंग इन द कमेंट बॉक्स. इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टूड द टॉपिक रियली वेल देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.